मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज केंद्र सरकार ने किसानों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को, पेंशनरों को और रेलवे के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने जुलाई महीने का डीए आज अनाउंस कर दिया। ऐसा अक्सर होता है, जो डीए साल में 2 बार मिलते हैं, एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो सरकार ने इस बार का जो जुलाई का ड्यू था उसको आज कैबिनेट ने क्लियर कर दिया। आज से सीएए की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें डिसीजन लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को और पेंशनरों को 4% डीए की रकम, यानी एक और किस्त दी जाएगी। तो अभी जो डीए है वो 42% है, 4% और बढ़ गया, वो 46% हो गया है। और जैसे ही ये 50% क्रॉस करेगा तो एक इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारियों के बेसिक पे में जुड़ जाएगा। तो ये सेवंथ पे कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, नहीं 100%, सॉरी 50 नहीं, 100%, 100% जैसे ही होगा वैसे वो पे स्केल में एक इंक्रीमेंट जुड़ेगा। तो अभी तो 46% हुआ, तो उसको 100% होने में मुझे लगता है कि कम से कम अगर एक साल में 7 से 8% अगर बढ़ता है तो आप सोचिए कि कम से कम 6-7 साल लगेंगे, अभी लंबा टाइम है। तो डीए वाला मामला हुआ। दूसरा, रेलवे का बोनस, रेलवे के जो ग्रुप डी और सी कर्मचारी जो नॉन गजट हैं उनको प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस मिलता है और ये बोनस उनको 78 दिन का बोनस दिया गया है। और लगभग 11,07,000 कर्मचारी हैं रेलवे में जिनको ये बोनस दिया जाएगा, बाकी जो ग्रुप ए के हैं उनको नहीं मिलता, इसलिए वो इनमें शामिल नहीं है। और ऐसे जो डीए मिलेगा, जो डीए बढ़ा है उससे करीबन 68 लाख पेंशनर हैं और करीबन 48 लाख सरकारी कर्मचारी, यानी सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर हैं, तो उनको भी डीए मिलेगा 4%। तो ये आज सरकार यानी आज मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसका जो बेनिफिट है वो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी और उनके पेंशनर और ये लोग हैं। और इनके आप समझिए कि लगभग अगर 68 और 40 1,10,000 कर्मचारी हैं, अगर है 1,10,000, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 करोड़ हो जाते हैं। तो 5 से 6 करोड़ लोगों को इसका सीधे सीधे बेनिफिट होगा और ये सीधे सीधा वोट बैंक बनाएंगे, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस चुनाव में थोड़ा थोड़ा इसका असर पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं पड़ता। और मित्रों, इसके अलावा जो आज गाज़ा पट्टी में, इसराइल और गाज़ा पट्टी का जो झगड़ा है वो बड़ा डरावना चेहरा होता जा रहा है, क्योंकि आज गाज़ा के अस्पताल में बम विस्फोट हुआ, उसको बम से गिराया गया और 500 उसमें जाने गई है। और ये खान यूनिस की जो जगह है गाज़ा के एक अस्पताल में भीषण विस्फोट हुआ, इसमें सैकड़ों लोगों की मौत होने की आशंका है और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 500 से अधिक है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा दुख जताया और शोक करके उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। और मित्रों, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की और रेलवे कर्मचारियों को बोनस, और किसानों को बढ़ा एमएसपी, ये दिवाली का गिफ्ट है। रबी की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा है और इसके अलावा मित्रों, अगर आपको याद हो, दिल्ली में एक सौम्या, एक पत्रकार, टीवी पत्रकार थी, वो अपने घर जा रही थी ड्यूटी से रात को और एक टैक्सी वाले ने उसका किडनैप किया था और रेप करके उसको मार दिया था। तो उसको आज उस लड़की के 4 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है और वहीं 5वें अभियुक्त को अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और इन सभी को महाराष्ट्र
संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत अरेस्ट किया गया था, इसके तहत इनको मुकदमा चला था इन पर, और साकेत कोर्ट ने अब को दोषी साबित कर दिया गया है। और जो ये जो साक्षियों और गवाहों के बयानों पर यह साबित हुआ है कि आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने विश्वनाथन की फुटपाथ लूटपाट करने के बाद उसके इरादे से उसकी हत्या कर दी। उन्हें धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है। इसका मतलब इनको फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि 302 के तहत इनको दोषी ठहराया गया है। तो सौम्या की माँ ने कहा है कि इनकी जो बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए सभी लोगों को आजीवन कारावास की मांग करते हुए कहा कि उन्हें वही भुगतान चाहिए जो हमने अपनी बेटी को खो दिया है। ये उनकी माँ ने कहा है, तो ये बड़ा दुखद है। और मित्रों, आज एक और सरकार ने फैसला किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जो फेरा कानून है उसमें संशोधन किया है और कहा है कि विदेशी चंदा भी ले सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री के हो रहा है, लेकिन एक्चुअल इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है और लगना भी नहीं चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्था को बनाने के लिए सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए, इसमें पब्लिक को उसमें पब्लिक को साथ देना चाहिए। और मित्रों, आज एक और बुरी खबर है कि आजम खान, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, सांसद रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, इनको और उनकी पत्नी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और वो इसलिए सुनाई गई कि इनका एक बेटा है और उस अब्दुल्ला आजम को उन 2019 में एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया गया। अपने बेटे को जो एमएलए था, इसकी इसको भी सज़ा मिली है, इसकी एमएलएशिप भी चली गई है, इसको भी सज़ा सुनाई है 2 साल की, और पत्नी और आजम खान को भी 7 साल की सज़ा सुनाई है। और भी मामलों में आजम खान को सज़ा सुनाई गई है। आजम खान आजकल जमानत पर है। आजम खान के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन। सुप्रीम कोर्ट ईडी के अधिकारियों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी और तमाम जो ये लगातार राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है उससे एक सवाल उठे हैं। उन सवालों का जवाब के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि कैसे इसकी इसको जो मिसयूज़ हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है। मित्रों, पंचम स्कंद माता का होगा, आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं और माता का आशीर्वाद बना रहे। दिवाली पर मिलेगा मेगा मिश्रित योजना लॉन्च करेगा डीडीए। योजना के व्यवसायिक ग्रुप हाउसिंग एवं संस्थागत प्लॉट समेत अन्य शामिल है। 5 नवंबर तक होगी पंजीकरण, नीलामी होगा 7 नवंबर को। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जिन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों के 16 न्यायाधीशों के तबादले हुए हैं और ये कॉलेजियम की जो कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो 16 न्यायाधीशों के इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं। और इसके अलावा कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जजों के लिए 13 वकीलों के नामों की सिफारिश भी की है जो नए जज बनेंगे। और इसके अलावा राहुल अनपढ़ बच्चा, उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है। और बीजेपी ने राहुल के आरोपों के बाद गांधी परिवार को घेरा है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि जो जो अडानी को कोयले की खान मिली है, तो अडानी ने उस कोयले की खान का जो जो कोयले का रेट था उसको बढ़ा दिया था, तो इसलिए आरोप लगाया गया है। और उन आरोपों के जवाब में भाजपा ने कहा है कि ये सबसे भ्रष्ट परिवार है, गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है।
तो मित्रों इसके अलावा जो गाजा पट्टी की खबरें आ रही है, बहुत ही दिल दुखाने वाली खबरें आ रही है कि एक तो हमास के कारण इजराइल अब उसके पीछे पड़ गया कि उसको गाजा खाली करना है। और आज किसी ने, जैसे इजराइल तो साफ मुकर रहा है कि उसने अस्पताल पर बम नहीं गिराया, उसका कहना है कि जो ईरान की एक आतंकवादी संगठन है उसने गिराया है, तो अभी किसने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन 500 लोग मरे हैं और जो बच्चे और छोटे छोटे बच्चे इसमें घायल हुए हैं, जो कि वहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, वहाँ खाना नहीं है, अन्न नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में है। तो इसलिए जो डॉक्टर है वहाँ जो है बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कर रहे हैं, किसी का अगर सिर फट गया, किसी का हार्ट टूट गया, तो वैसे ही सिल रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के। सोचिए कितने दर्द में वो होंगे। तो एक आतंकवादी संगठन ने, और एक धर्म को भी समझना चाहिए, जो इस्लाम को मानते हैं, इस पवित्र इस्लाम को, उनको समझना होगा कि इस आतंकवाद में कुछ नहीं रखा हुआ है। लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रमोट कीजिए, लोगों को कहिए कि पढ़ो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो। ये आतंकवाद में क्या रखा हुआ है, पूरी दुनिया में आप देखिए, इस आतंकवाद के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस आतंकवाद को छोड़िए और देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से परेशान, एक आतंकवादी के कारण ये कितने परेशान है पूरी। और इसराइल ने आज फिर कहा है कि हमास इन सब मौतों के लिए जिम्मेदार है, और अगर हमास इस तरह के काम न करें, और हम चूंकि बार बार अटैक हो रहे हैं, 2006 में अटैक हुआ, फिर 8 में अटैक हुआ, 15 में अटैक हुआ, तो अटैक हो रहे, तो इसलिए वो इसराइल ने इस बार सोचा कि इस बार गाजा को खाली करना। तो मित्रों आज न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान पर 149 रन की शानदार जीत हुई है, और कल अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, उलटफेर कर दिया था। और मित्रों अब जो भारत नंबर एक पर था, अभी न्यूजीलैंड नंबर एक पर आ गया, क्योंकि उसके 4 मैच हो गए, 4ों में से 4 जीत गया, तो अब उसकी रन रेट भी 1.9 है, और भारत नंबर दो पर आ गया है, हमारा रन रेट 1.8 है। लेकिन अभी हम चूंकि 3 मैच हमने खेले, तीनों जीते हैं, तो हम नंबर 3 पर हैं और नंबर 4 पे भी आ सकते हैं। तो अभी मुख्य मुकाबला जो भारत का होगा, ये मैच जो है 2 बजे होगा, और इसमें हमारा मुकाबला बांग्लादेश है, तो निश्चित तौर पर जीत तक पक्की है इसमें। तो इसके साथ ही फिर भारत फिर नंबर 1 पर आ जाएगा, लेकिन रन रेट सुधारना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का 1.9 है, हमारा 1.8 है, तो हमें 2 करने पड़ेंगे तब जाके हम नंबर 1 पर आएंगे। और इसके अलावा मित्रों अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।